आज हम यहाँ एक खास बात के लिए, खास चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं, और वो चर्चा बड़े कमाल की है कि भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश में जो कानपुर नाम का सबसे बड़ा शहर है, जो औद्योगिक शहरों में सबसे बड़ा माना जाता है, उसमें क्रांतिकारी काम पिछले कुछ सालों से हो रहा है जो लोगों की जानकारी में नहीं है और जिसकी आज एक बड़ी आवश्यकता है। तो यहाँ सबसे पहले अपना परिचय देंगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी। सर अपना परिचय दीजिए प्लीज। जी, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, रिटायर्ड डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ कानपुर से, और पदाधिकारी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं भारतीय बौद्ध महासभा से बहुत समय से जुड़ा हूँ। अन्य कार्यक्रमों में, अन्य जो इसके पहले हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन, सच बात यह है कि वो समण संघ की तरह ही काम करने वाले संगठन है, आज भी हैं, और हम सब लोग एक साथ कोई भी कार्यक्रम किया करते हैं। तो ये हमारा कानपुर में बहुत और सबसे सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हूँ, यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। एसआर बहुत सारा अपना परिचय दें प्लीज। मैं एसआर बहुत केंद्र भारत सरकार के लेखा एवं ऑडिट विभाग में योजना अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। भारतीय बौद्ध महासभा के विभिन्न पदों पर रहते हुए प्रांत में प्रांतीय अध्यक्ष के पद से तक पहुंचा हूं, और वर्तमान में मैं भारतीय बौद्ध महासभा का संरक्षक हूं। साथ ही अब हम समर संघ के साथ जुड़ चुके हैं हर तरह से, और इसी जुड़े से एक जो हमारी परिकल्पना है को आगे बढ़ाने की, उसी में लगे हुए। प्रेम जी सर अपना परिचय दें प्लीज। परिचय जी, मुझे प्रेमी जी बहुत कहते हैं। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का जो गठन हुआ था, उस गठन में मैं भी एक सदस्य रहा हूँ, और उसके पश्चात बाबा साहब का जो महान सोच था बौद्ध में भारत और उसकी परिकल्पना को पूर्त देने के लिए उन्होंने धर्म प्रचार के लिए सभा का गठन किया था। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इसका इसलिए गठन किया था कि वैधानिक रूप से ये महासभा उत्तर प्रदेश जो रजिस्टर्ड है वो अपना काम कर सके। साथ ही साथ मैं ये जो भारतीय बौद्ध महासभा का जो पत्रिका निकलती थी उसका कानपुर से प्रकाशन होता था, जिसमें मैं और सदय एस आर बौद्ध दोनों मिलकर के उस पत्रिका का प्रकाशन करते थे। और इधर कुछ ऐसा भी बन पड़ा है कि मेरी उम्र चूंकि 25 साल की है, भाग दौड़ नहीं कर सकता, तो अब हम साहित्य छोटे छोटे पुस्तिकाएं लिख करके धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते। प्रेमी सर, जो एक कार्यक्रम 14 अप्रैल को कानपुर में होता है, उस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि कैसे आपके ध्यान में, ख्याल में, या किन किन लोगों ने, या कब से ही आरंभ हुआ कि सब लोग एक साथ इकट्ठे होके बाबा साहब का जन्मदिन मनाए और सारे के सारे संघ के रूप में पूरे पूरे इकट्ठे हो जाएं, ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे आपने इसको कामयाबी हासिल की, कब से की, बताएं सर। तथागत सम्यक संबुद्ध की पावन स्मृति के साथ आपको अवगत कराना है कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस कानपुर में 2 दिवसीय आयोजित होता है। 13 अप्रैल की शाम बाबा साहब के नाम और 14 अप्रैल को वो कार्यक्रम होते हैं। इस जन्मोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत 1973 में हुई थी, हालांकि मैं उसमें सम्मिलित नहीं था, लेकिन शुरुआत 1973 से हुई थी। फर्स्ट टाइम इसमें करीब 50-60 लोग ही शामिल हुए थे, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कार्यक्रम में भव्यता आती गई। आज स्थिति यह है
इस कार्यक्रम में 1.5 से 2 लाख लोग जुड़ते हैं। कार्यक्रम का जो आयोजन है वो मेले के रूप में होता है। यह आयोजन कानपुर नगर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक नाना राव पार्क में, जो बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है उसी के आसपास के परिसर में होता है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इस मेले को आयोजन के संबंध में जो हमारे सहयोगी लोग रहे हैं स्थापना के टाइम पर, उनमें परम श्रद्धेय जय अनादित साहब, एच डी भानु जी, प्रेमी जी बौद्ध, चौधरी मदन मोहन, बाबूलाल अहरवार, आर एस सागर साहब, लेखराज बौद्ध, सुंदर लाल गौतम, डॉक्टर लीला प्रसाद जी, श्यामनाथ बौद्ध, बीपी अम्बेडकर, क्यू दयाल बौद्ध, के नाथ, धनी राव बौद्ध, प्रताप सिंह दत्त साहब, डॉक्टर के एल आदर्श, राजेंद्र नाथ अहरवार, आर्वी विद्यार्थी, कॉमरेड नागेश्वर वाल्मीकि, राजू कुरील, गंगाराम गौतम, चंद्रगायन कुरील आदि सैकड़ों लोग इसमें सहभागी रहे हैं। ये तो मैं नाम अगर गिनाऊंगा बहुत समय लगेगा, काफी लंबी लिस्ट है। साथ ही कानपुर के कुछ राजनीतिक लोगों का भी हमें वरद प्राप्त होता रहा है, उनमें परम श्रद्धेय श्री प्रकाश जायसवाल जो यहाँ के सांसद थे, और सुभाषनी अली जी जो यहाँ की सांसद थी, इस कार्यक्रम को बनाने में इनका भी योगदान अच्छा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1973 में जरूर हुई थी, लेकिन इसमें जो भव्यता आई वो 1980 के बाद आई। 1980 के बाद से 50,000, 30,000, 40,000, 50,000 हर साल 10-15,000 आदमी बढ़ता गया। एक समय वो आया कि जब 1991 में परम श्रद्धेय प्रेमी जी बौद्ध जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो अध्यक्ष बने। उन्होंने हमें अपना कोषाध्यक्ष यानी कैचर बनाया। मैं उस समय प्रभागीय लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और पोस्टिंग संयुक्त मेरी कानपुर में ही थी। तो मैंने श्रद्धेय प्रेमी जी बौद्ध जी को एक एडवाइस दिया। देखा हमने कि करीब 50-60 हजार आदमी इकट्ठा हुआ था 91 में, तो हमने उनको एक एडवाइस दिया कि कानपुर के इतना विशाल नगर है और कानपुर के विभिन्न मोहल्लों में बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिससे कि पब्लिक अपने ही क्षेत्र में अपने मोहल्ले के कार्यक्रमों में सम्मिलित होती है और वो अपने आए घर पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं कि कौन 10-12 किलोमीटर दूर जाए। तो हमने उनको एडवाइस किया कि हम लोग इन सामाजिक संगठनों से बातचीत करके ये कहें, समझाने का प्रयास करें कि भाई आप लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब का कार्यक्रम जन्मोत्सव जो है उसको एक ही जगह मनाया जाए, यानी 14 अप्रैल। तो हम लोगों ने जब 91 का कार्यक्रम समाप्त हो गया, उसके बाद से हम लोग विभिन्न सामाजिक संगठनों से मिलना शुरू किया और उसका रिजल्ट ये रहा कि सबने सकारात्मक रुख दिखाया और सबने सहमति बताई कि हाँ 14 अप्रैल अगले वर्ष जो है 14 अप्रैल का प्रोग्राम सिर्फ नाना राव पार्क में ही होगा, जो भारतीय बौद्ध माता आयोजित करती है। अगर किसी को करना भी होगा तो बात ही करेंगे, 14 अप्रैल की तारीख सिर्फ केवल सिर्फ नाना राव पार्क में ही होगा। अब श्रद्धेय प्रेमी जी बहुत ने इस बात को समझा था, इसलिए आगे बढ़ा, सामाजिक संगठन में उसमें सहयोग किया। प्रेमी जी 92 का प्रेमी सर जी, जब आपने ये प्रस्ताव रखा 1991 में करने के बाद में और लोगों को आपने एकजुट करना शुरू किया, तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए सर, मुख्य बात तो यह है कि वो जब कार्यक्रम होता था उसके पहले ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। परिणामतः वहां पर जो आज वर्तमान में जो भीड़ आती है उसका लगभग 35% से और कम उपस्थित होते थे। मैं चूंकि विकास विभाग का आदमी था, मैंने नियोजन किया कि ये महान बाबा साहब का जन्मोत्सव है तो बहुत ही उनकी महानता के साथ मनाया जाए।
तो फिर उस भेड़ को लाने के लिए पहले पुरुष आते थे। मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर बाबा साहब के श्रद्धा करने के लिए पुरुष नहीं, उनके घर की महिलाएं भी आए, उनके साथ बच्चे आए, तो इसके एक बहुत बड़ी हमारे सामने उलझन थी। कहते थे मैंने बड़े इसके लिए बड़े छोटे छोटे स्टिकर छपवाए और जो चंदा लेने जाते थे उनसे अनुरोध किया था कि चंदा लेने के पहले उनके दरवाजे पर स्टिकर लगाइए, बाबा साहब के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाइए, नाना राव पार्क प्रातः से सब परिवार आइए। इसमें सफलता मिली। दूसरी राह कि हम चाहते थे कि जो बाबा साहब से या भगवान बुद्ध से संबंधित स्कूल है उनके बच्चों में भी बालपन से ही बाबा साहब के भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। तो कानपुर में जो चल रहे थे विभिन्न संस्थाएं, उसमें वाल्मीकि जी के थे, कमल जी के थे, इसी तरह के बहुत कम से कम आधा दर्जन स्कूल में जा करके एस आर बहुत जी के साथ जाता था और वहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजर से बात करके स्काउटिंग के लिए बच्चों के स्काउटिंग करने के लिए वहाँ टीम आते थे। उस टीम को ये लगा कि हम वहाँ गए करते नहीं तो भारतीय भवन महासभा के फंड से उनको नाश्ता और भोजन दान कराया जाता था, साथ ही साथ बच्चों को पारितोषिक प्रमाण पत्र देते थे। तो इस तरह वहाँ भीड़ लगे। अब आई समस्या कि इनको महिलाओं कैसे वहाँ करते जाए, तो प्रयास किया गया कि बाबा साहब का जो नाना राव पार्क है वहाँ के बगल में तपस्वरी मंदिर है मेला, तो हम और देख के नाथ जी वहाँ गए और झूले वाले को आमंत्रित किया, उसको बुलाया। इसके पश्चात महिलाएं हैं वो भी कितनी देर भाषण सुनेंगे, तो उनके लिए कैसे वो चूड़ी है या अन्य है, मैं लेडीज के उन दुकानदारों को बुला बुला के लाए, बाबा साहब के जो चित्र और बुक स्टॉल बेचते थे उनको प्रोत्साहित किया कि आपके पड़ोस में कोई और पुस्तकें बेचते हैं तो उनको भी सादर बुलाए। तो इस तरह जो हमारे सामने जो चुनौती आई थी उस चुनौती से पार। एक और बड़ी चुनौती आई प्रशासन की तरफ से कि जो नाना राव पार्क का जो मैदान है बड़ा भारी, उस मैदान में अवरोध किया गया। अवरोध क्या किया गया? वृक्षारोपण करा दिया गया। अब मेरे सामने, मैं उस तत्काल में मैं अध्यक्ष था, मीटिंग बड़ी लंबी चौड़ी बुलाता था कि अकेले फेस नहीं करेंगे, हमारी मासिक जो तैयारी मीट में थे उसमें 50 से लेकर 100-100 भीड़ आती थी। उसी समय एक पत्रकार आ गए, उन्होंने कहा कि शासन तो आपको यहाँ करने नहीं देगा, भगवान बुद्ध के बाबा साहब की कुछ ऐसी कृपा। मेरे मुंह से निकला कि चाहे जितने अवरोध हों बाबा साहब का जन्मोत्सव यहीं पर मनाया जाए। और इस तरह सभी पेपर ने भी यही छाप दिया कि जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा है कि मेला यहीं लगेगा। खैर शासन ने उसमें ज्यादा अवरोध नहीं किया और हमारे जो वॉलंटियर्स है उन सब ने पेड़ को उखाड़ दिया था। ये एक बड़ी भारी चुनौती थी। तो इस तरह हमने इन चुनौतियों को करते करते तमाम संगठनों को जोड़ते जाते और ये कार्यक्रम को इतने बढ़ोतरी के साथ कि पूरे कानपुर में एक जनशक्ति दिखाई पड़े, और उस जनशक्ति के लिए हमने सबसे निवेदन किया कि कृपया अपने जलूस से बैनर के साथ भारी भीड़ के साथ आइए। तो ऐसी स्थिति में यह कार्यक्रम इस जो वर्तमान स्थिति ये स्वरूप पकड़ पाया। ये सर है प्रेमी जी, बहुत बहुत आपको साधुवाद है कि आपने प्रशासन की जमीन से पेड़ उखाड़ दिए। और हमारा तो बुरा समय इतना है कि हमारी दीक्षा भूमि पे, हमारी जमीन पे, वहां सरकार ने चंद पैसे देके वहां पेड़ लगा दिए और उन लोगों को इतना समझ में नहीं आया कि पेड़ लगाने से हम लोग इकट्ठे कैसे होंगे वहां और कार्यक्रम कैसे इकट्ठा होगा। जो आपकी दूरदर्शिता थी और जो आपकी हिम्मत थी वो वास्तव में काबिल तारीफ है और सलाम के लायक है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने वहां देखा है कि ये कार्यक्रम जो लगा है
इस कार्यक्रम से पहले और इस कार्यक्रम के बाद में कार्यक्रम के होने से फायदे क्या रहे और नुकसान क्या रहे, डिटेल में बताएं प्लीज सर। ये इसमें नुकसान जैसी कोई चीज नहीं थी, सिर्फ फायदे ही फायदे। निश्चित रूप से जैसा प्रेमी जी बहुत ने बताया है कि विभिन्न संगठन इसमें जुड़े थे और अलग अलग बहुत सारे मतों के बावजूद भी सभी एक साथ, विशेषकर 14 अप्रैल को सब एक मंच पर इकट्ठे होते हैं। आज भी शुरू में भी होते थे और वहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ साथी थे उन्होंने अन्य कार्यक्रम शुरू किए, जैसे भीम भोज के नाम से शुरू किया गया, उसको हमारे सिद्धे डॉक्टर लीला प्रसाद जी जो रिटायर्ड सीएमओ हैं जालौन से, अब तो काफ़ी उम्र है, उन्होंने वो शुरू किया। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि 14 अप्रैल मूल कार्यक्रम के पहले 13 अप्रैल को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे आसपास के गांवों से और बल्कि कुछ नज़दीकी शहरों से लोग अपने अपने साधनों से अपने तरीके से आते थे। हमारा सहयोग सिर्फ ये रहता था कि वहाँ पर नाना राव पार्क में उनको 13 तारीख को चाय से लेके नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ये उपलब्ध रहता था सबके सहयोग से, और 14 तारीख को भी जो हमारे बाहर से आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लोग विशेषकर जो इस मेले का विषय में जानकारी हासिल करते थे, वहाँ पर देखते देखते बहुत सारे बुक्स के पंडाल लगने लगे। विभिन्न संगठन जैसे बैंक के हैं, LIC के हैं, हमारे विभिन्न के हैं, PWD, और वहाँ पर डॉक्टर आनंद स्वरूप जिनसे हमारी आपकी भी भेंट हुई थी 26 दिसंबर को लखनऊ में, तो वहाँ पर डॉक्टर RP सिंह पीडियाट्रिशियन जो इसमें प्रिंसिपल फतेहपुर में हैं, सभी ने मिलके एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया कि सभी समर संगी, तब ये वर्ड नहीं था लेकिन थे सब हमी सब लोग, तो मेडिकल कॉलेज के छात्र और फैकल्टी सब मिलके एक विशेष पंडाल वहाँ लगाया, जिसमें निशुल्क जांच, निशुल्क ब्लड चेकिंग और बहुत सारे जो जानकारियाँ हैं वो वहाँ पर पोस्टर्स के द्वारा, मॉडल के द्वारा हमारे डॉक्टर सभी सब देते थे। तो वहाँ पर बहुत बड़ी गैदरिंग होती थी कि आज जो है ना GSBM मेडिकल कॉलेज के छात्र फैकल्टी सभी इसमें जुड़े हुए हैं और हमको चिकित्सा सहायता भी मिलेगी, और इस चिकित्सा सहायता के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो आपस में जुड़ते थे तो फ्यूचर में भी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आने पर प्रॉब्लम नहीं होती थी और जिस तरीके की भी जानकारी चाहिए, ये चिकित्सा के संबंध में हमारे विभिन्न जो स्टॉल शुरू हुए जानकारियों से भरपूर, तो उसमें हमारे विभिन्न संगठन के लोग जुड़ते गए, यहाँ तक कि जिसका जिक्र किया था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, वो भी अपने आप में कार्यक्रम। लेकिन एक विशेष चीज ये है कि जितने हमने संगठन और इन सब की बात बताई, ये सिर्फ हमारे आपके नाम के लिए है, वहाँ आके उस मेले में सब एक सूत्र में बन जाते थे, सब एक समुद्र में समा जाते थे। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े कार्यक्रम में, अभी तो 2 साल से हुआ नहीं है, इतने बड़े कार्यक्रम में आज तक किसी की पर्स चोरी नहीं हुआ, किसी की साइकिल चोरी नहीं हुई, किसी का किसी तरीके का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, कोई पुलिस नहीं, कोई नहीं, सभी बहुत ही संयमित तरीके से पार्क में आते, सभी पूरे दिन 13 तारीख को रुकते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते,
हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाबा साहब से संबंधित लिटरेचर भी रखते, गायन भी होता, रंगमंच के द्वारा भी कार्यक्रम होते। किसी तरीके की जैसी चीज मैंने आज तक नहीं देखी वहां पर। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है कि सब लोग, दूर दराज से आने वाले ग्रामीण लोग, शहरी लोग, यहां तक कि कुछ पॉलिटिकल लोग भी उसमें आते थे, लेकिन कभी भी उस प्रोग्राम में पॉलिटिकल चर्चा जैसी कोई चीज नहीं। पॉलिटिकल लोग आए जरूर, लेकिन वो एक कार्यक्रम का हिस्सा बनकर रहे हैं। और हमारे जो इस सभी कार्यक्रमों में विशेष तौर से भारतीय बौद्ध महासभा अपना एक मंच बनाते हैं, अभी भी बनता है, जहाँ पर हमारे पूज भिक्खु समय समय पर वरिष्ठ जो हमारे समाज से भी हैं वो वहाँ पर अपनी बात को रखते थे। तो ये एक विशेष चीज है जिसके लिए हम सब लोग बहुत उत्साह से बात करते हैं। और जब आपने ये बात करी थी कि बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे मंडलों में, शहरों में अलग अलग मनाते हैं, तो ये यहाँ पर हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता कहिए या हमारे भारतीय बौद्ध महासभा या अन्य संगठनों में, सभी को इसका श्रेय देता हूँ कि इन लोगों ने इतना मेहनत की है। मैं तो यहाँ पर बाद में आया था सर्विस में, लेकिन ये लोग साइकिल से दिन भर दौड़ते थे, पोस्टर हाथ में लेके, बैनर हाथ में लेके, किसी भी घर में गए, वहां पर बात किया कि आप लोग यहाँ पर मनाइए और यहाँ पर आइए, आपको सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी, बाबा साहब के संबंध में जानकारी होगी। और आज ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता। सुबह होते ही 14 अप्रैल को कार्यक्रम, तो शाम को होता है विशेष कार्यक्रम, मेला वेला, लेकिन सुबह बुद्ध वंदना से शुरू होता है और बाबा साहब की मूर्ति पर फूल मालाएं और ये सब कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जो पूरे दिन चलता है। आप, मैंने पार्लियामेंट पर भी देखा है कार्यक्रम, मैंने वहां पर माल्यार्पण भी किया है, तो जिस तरीके से लाइन वहां लगती है, बिल्कुल उससे कम लाइन यहाँ नहीं लगती है, बहुत बड़ी लाइन में लोग करते हैं। अब इस साल एक हमारे लिए ये चुनौती भी है कि 2 साल से बंद रहने के बाद, और अभी भी थोड़े व्यवधान रहेंगे क्योंकि वहाँ मरम्मत वगैरह कार्यक्रम भी चल रहा है कुछ, लेकिन उससे भी सब सकुशल होगा। तो ये हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी रहे हैं, इतना खूबसूरती से कार्यक्रम को अंजाम दिया है, चाहे वो सवेरे से माल्यार्पण कार्यक्रम हो, फूल मालाओं की बिक्री, और शाम को मेले में विशेष चीज ये कि हमारे जो बच्चे छोटे छोटे आते हैं वहाँ पर, वो बाबा साहब का लिटरेचर से लेके और अपने मेले का आनंद भी लेते हैं। खान पान की सुविधा भी वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, तो हम इस समय काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं इस तरह की। बस अब अगला स्टेप जो अभी ये 14 अप्रैल को हमारा जो भीड़ है, मेला है, हम इसको संघ में कैसे तब्दील करेंगे, ये अभी भी थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं और आप जैसे लोगों के साथ बहुत अपेक्षाएं हैं, क्योंकि संघ में इस समय हमारे पास बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो मोटिवेट करेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि इसमें सभी वास्तव में संघ का रूप ले लें, ये एक हमारा अचीवमेंट होगा। जी सुधीरराज जी। प्रेमी सर, आपने जो ये मेहनत की घर घर जाके और सब लोगों को एक प्रेरणा दी कि भाई हमको बाबा साहब के आदेश के अनुसार ऑर्गेनाइज होके एक साथ ही ये काम करना है,
तो इस काम में कितने दूर दूर के एरिया हैं जो इस बात को समझ गए कि हमको आना है, कितने गांव, कितने आसपास के शहर या जिले हैं, कहां कहां तक ये बात पहुंची है? देखिए सर, यह प्रयास रहा कि कानपुर महानगर के निकट के जो जनपद है, उन्नाव है, फरखाबाद है, इटावा है, और इधर हमीरपुर और फतेहपुर के जनमानस से आता है, यूं ही कानपुर बहुत बड़ा शहर है। तो अब यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और प्रयास रहता है कि यहाँ पर लोगों को जानकारी अच्छी मिले, यहाँ पर उसी के भीड़ को संतुष्ट करने के लिए बड़े बड़े यहाँ पर जो जैसे डॉक्टर साहब वीरेंद्र सिंह बतला रहे थे कि मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर प्रदर्शनी लगती है, वहीं पर केएल आदर्श जी जो थे बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के संबंध में वहाँ पर बड़े भारी चित्र की प्रदर्शनी लगाते थे। ये सारी बातें रहती थी और साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑफिसर्स फोरम था उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। अगर भाषण के द्वारा व्यक्ति को मस्तिष्क की खुराक मिलती है तो वहीं पर जो ऑफिसर्स फोरम थे उसमें माननीय जज साहब प्रताप सिंह थे, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह थे इगलान और लीला प्रसाद आदि प्रसाद सिंह, दोनों भीम भोज आरंभ किया था जो सुबह 13 के शाम से चलते चल करके और 14 के अप्रैल की शाम तक वो अनवरत भीम भोज चलता रहता है। इन सब बातों के कारण ये जो आसपास के एरिया के लोग हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ट्रैक्टर करके आते हैं या पहले ट्रेन तमाम आते हैं कानपुर से आते हैं, तो इस तरह ये काफी नाना पार्क में के माध्यम से भगवान बुद्ध और बाबा साहब के प्रति आस्था जागृत करने का ये नाना राव पार्क का जो बृहद मेला लगता है वो अपने कार्यक्रम में सफल रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो बुक स्टॉल्स वगैरह आते हैं तो उनके जो क्रय करते हैं और अपने घरों में लगाते हैं तो घरों के माध्यम से उनके रिश्तेदार वगैरह हैं उनको भी बाबा साहब के प्रति श्रद्धा का अवसर प्राप्त हो जाता है। एसआर प्रेमी सर, एसआर बौद्ध सर, जी सर, ये इतना बड़ा मेला और आप चूंकि भारतीय बौद्ध महासभा के सारा अकाउंट जनरल रहे, अकाउंट को संभालते हैं, खर्चा लेखा जोखा, तो इतने बड़े मेले का जो मैनेजमेंट है, जो खर्चा और जो व्यवस्था है उसको कैसे संभालते हैं सब लोग मिलके, वो बताइए सर। सर यहाँ ऐसा है कि भारतीय बौद्ध महासभा, आप अपनी आवाज खोलिए सर, आवाज खोलिए। कोषाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा का कोषाध्यक्ष होता है, तो कोषाध्यक्ष के माध्यम से ये रसीद बुक डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और जो पैसा आ जाता है उसी से इसे पूरे प्रोग्राम को मीट आउट करते हैं। ये सेंट्रलाइज प्रोग्राम रहता है और मैं समझता हूँ कि पैसे की कभी कमी नहीं आई, 19-20 कभी कम ज़्यादा हो जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई और इसका हिसाब किताब तुरंत मेले के 15 दिन के अंदर, मेले समाप्त होने के 15 दिन के अंदर उसको पब्लिक को सामने दिखा दिया जाता था कि नहीं हाँ ये प्रोग्राम में इतना आय हुआ और इतना खर्च हुआ है, इतनी अभी लाइबिलिटी है या अभी इतना हमारे पास शेष है, ये स्थितियां रहती थी। और जो छोटे छोटे जो पंडाल लगाते थे विभिन्न सामाजिक संगठनों के, लगभग 60-65 संस्थाएं अपना पंडाल लगाती हैं और यही संस्थाएं पहले अपने अपने क्षेत्रों में, अपने ऑफिसों में, अपने मोहल्लों में बाबा साहब के जन्मों से मनाते थे, तो उनका एक अपना अलग फंड रहता था, तो उसी उस फंड को कुछ कम करके इन लोगों ने यहाँ पंडाल लगाते हैं और उस पंडाल में कोई खाने पीने की व्यवस्था, कोई बुक स्टॉल लगा लिया या आने वाने कुछ प्रवचन वगैरह अपना घंटे वगैरह को ले आए बैठा दिया दिन में, तो अपना वो अपना प्रवचन भी सुन रहे हैं, इस तरह से अपना सब व्यवस्थाएं करते हैं। तो फंड्स के संबंध में एक बिल्कुल पारदर्शिता ही रहती है वहां पर, किसी तरह के कोई आज तक उंगली नहीं उठा पाया कि भारतीय बौद्ध महासभा के पास के ऊपर या अन्य सामाजिक संगठनों के ऊपर, क्योंकि उसमें पूरी पारदर्शिता रहती है और खर्चे का मिसयूज नहीं होता है, मेन चीज ये होती है।
सर पहले से पैसा ज्यादा खर्च होता है या कम, इकट्ठा इकट्ठा होने से कम खर्च होता है अब? नहीं, पहले से पैसा तो कम खर्च होता है, अगर हम सभी सामाजिक संगठनों का पैसा जोड़ लें तो उसका आधे से भी कम हो गया। अब चूंकि मेन खर्च भारतीय बौद्ध महासभा उठाती है, एक ही जगह सेंट्रलाइज हो गया, मोहल्लों के सब पंडाल का खर्चा, कुर्सियों का खर्चा, वो सब सब खत्म हो गया, तो इस तरह से खर्चे में काफी कमी आई है। खर्चा कम होने के बाद भी हमारी ताकत कितनी बढ़ जाती है जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो? सर जी जी, क्योंकि पैसा भी कम लग रहा है और हम इकट्ठे भी ज्यादा लोग हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ समाज को ही मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डॉक्टर वीरेंद्र सर जी, सर इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बढ़िया कम खर्च में, इतना बढ़िया शानदार, लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना, एक मेला लगाना, लाखों लोगों को एक साथ एक जगह आना, संघ में जोड़ना, फिर ये इतना पुराना कार्यक्रम जो 1973 से आरंभ हुआ, 1980 में तीव्रता आई और 1991 के बाद में लगातार बढ़ता गया, ये कार्यक्रम आप जैसे लोगों ने अपने पास ही क्यों रखा, पूरे देश को क्यों नहीं बताया, बताएं सर। सच बात ये है कि ये कार्यक्रम जो है ना, प्रमुखता से भारतीय बौद्ध महासभा करती थी और करती है, बाकी लोगों को जोड़ने का इन्होंने ही कार्यक्रम किया और इसको बाहर भी गया है। जैसे इनका एक कॉलेज है खुर्जा में, भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से संस्था पूरा चालू है, जिसमें बहुत सारे लोग पढ़ने के साथ साथ ये सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसको नहीं ले जा सके। ये इस तरीके का कंसेप्ट, सच बात यह है कि इस तरह कंसेप्ट जो अभी नया हम लोगों के दिमाग में भी आया है कि ये संघ के रूप में हम पूरे देश में इसको ले जाएंगे, इसीलिए मुझे बहुत उम्मीद बढ़ी है कि ये जो हुजूम है जो हम देख रहे हैं, इसको हम लोग धीरे धीरे करके जोड़ सकेंगे, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाएगा। इसमें पहले हम लोग सचेत नहीं थे कि इसको इस स्तर तक ले जाना, पहले तो ये बस रहता था कि ये कार्यक्रम हमारा आगरा से अच्छा है, दिल्ली से अच्छा है या दिल्ली के बाद में है, यहाँ तक सीमित था, ये बहुत ज़्यादा नहीं सोच सके। लेकिन जब से मैं से इसमें वी द पीपल के मार्फत ये हम लोगों के दिमाग में लगातार आ रहा है, हमने कानपुर समर्थ संघ के नाम से ग्रुप बना के बैठक भी की और बैठक भी बहुत ही सार्थक रही, आगे भी हम लोग इसको, इस भीड़ को, अभी हम भीड़ इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह की संघ की अवधारणा, यद्यपि हम लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहब के शिक्षाओं पर चलते हैं, संघ तो बहुत पुराना है और संघ के विषय में जानते हैं, लेकिन संघ से सबको जोड़ ना पाए, जुड़े हैं तो किस तरीके से जुड़े हैं, संगठन जरूर रहे जैसी लोगों की अपनी अवधारणा थी कि संगठन ही करता है सब कुछ, लेकिन ये चीज धीरे धीरे करके लोगों के समझ में आने लगी। हम लोग संघ के नाम पर मात्र भिक्खू संघ, जिससे हम तकरीबन सभी लोग जुड़े हुए हैं, उपासक लोग हमारे भिक्खू संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो समर संघ की जो कंसेप्ट है ये लेटेस्ट है हम सब लोगों के लिए कानपुर में, और कानपुर में अब ये तेजी से फैल रहा है। उस दिन हम लोगों ने जो बैठक की, हमारे सुधे एसआर बौद्ध जी, सुधे प्रेमी जी बौद्ध भी थे उपस्थित, मात्र एक व्यक्ति जो जूम मीटिंग में जुड़ता है, कुछ उनकी क्वेरी थी और अब वो हमारे पक्ष में है, संघ की अवधारणा समझ में आई। अभी बैठक की थी इसकी तैयारियों की, बाबा साहेब के जन्मदिन की तैयारियों की, तो मैंने
बहुत विस्तृत बात नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा, हमने कहा बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाने के लिए हमको विभिन्न संगठनों की नहीं संघ की आवश्यकता है, आप उसमें जुड़िए। तो सबने बहुत ही स्वागतपूर्ण तरीके से कहा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, हम लोग एक साथ मिलके काम करेंगे। और ये उम्मीद है कि हम धीरे धीरे करके जुड़ेंगे, आपके मोटिवेशनल स्पीचेस भी हम भेज रहे हैं, और अब आपका जो जो अब तो दो तीन चैनल भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं पूरी आशा के साथ कह सकता हूँ कि कानपुर एक लीडिंग संघ के रूप में रहेगा, आज नहीं तो कल। जी सुधीरा जी, प्रेमी सर, ये जब आपने काम शुरू किया तो कुछ लोकल नेताओं का, जिनकी इच्छा होती है नेतागिरी की, उनका विरोध तो आया होगा, उस विरोध को आपने कैसे दूर किया, इकट्ठे होने में जो विरोध आया उसको कैसे संभाला आपने? देखिए सर, जो आपने एक इच्छा जाहिर की है वो उसी भावना के अनुकूल कानपुर में टीम काम कर रही है, और बाबा साहब भगवान, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आपने सबको इकट्ठा करना शुरू किया तो कुछ जो नेता हैं, जो संगठनों के नेता हैं, उनका विरोध आया होगा, उस विरोध को आपने कैसे संभाला, कैसे उनको समझाया, वो बताइए सर। सर ऐसा है कि ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिज्ञासा जाहिर की है। कानपुर महानगर में ये एक पॉलिसी बनी रही है कि हम किसी भी पार्टी के नेता को न बुला करके, जो बुद्धिजीवी हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं या महान भिक्षु हैं, तो उनको ही साधारण आमंत्रित करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से जनता को बाबा साहब के विषय में जानकारी दिलाते हैं। यहाँ पर माननीय चंद्रपाल आईएएस जी आते रहे, विभिन्न आईएएस अधिकारियाँ हैं, आईपीएस अधिकारियाँ हैं, भिक्षुओं में माननीय करुणाकर जी वगैरह हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब के जन्मोत्सव में जो प्रकांड विद्वान थे बौद्ध दर्शन के, जगन्नाथ उपाध्याय जी, वो भी कानपुर में आकर के अपने विचार बाबा साहब के प्रति दिए हैं। तो यहाँ पर जो राजनीतिक नेता हैं उनकी उपस्थिति नहीं होती है, बल्कि विद्वान बाबा साहब के जानकार, और जैसा कि मैंने बताया कि बड़े अधिकारी और विश्वसनीय आता है, ये आता है। इस तरह हम लोग बाबा साहब के विचारधाराओं के जो अधिकारी वगैरह को बुला करके और वहां पर अपने आप स्थिति जो है वो नियंत्रित रहती है। एसआर बोध सर, आप ये बताइए कि एक कार्यक्रम तो आपने सफलतापूर्वक ये कर रहे हैं 14 अप्रैल का, मगर 26 नवंबर का संविधान दिवस या 26 जनवरी या खास तौर से जो बुद्ध पूर्णिमा है या जो बीच में और भी जो कार्यक्रम हमारे आते हैं, क्या उन पे कोई ऐसा सोचा है आपने कि ये सारे भी अब इकट्ठे हो जाएं और सब एक साथ मनाएं, उस पर कोई काम कर रहे हैं क्या सब लोग? बहुत अच्छी जगह था राय जी, कानपुर में जो बाबा आवाज, अपना माइक खोलिए सर, अपना माइक खोलिए। ये सर आपने जो जिज्ञासा जाहिर की बहुत सही किया कि हम लोग यहाँ पर कानपुर में विशेष रूप से 14 अप्रैल का जो प्रोग्राम बनाते हैं इसी थीम पर, अक्टूबर का प्रोग्राम धम्म दीक्षा दिवस का और पावन बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम, ये भी विभिन्न सामाजिक संगठनों के मिल करके ही मनाते हैं, और 26 नवंबर भी इकट्ठा किया जाता है एक साथ। 26 नवंबर दिन धम्म दीक्षा दिवस के दिन अन्य संगठन उस दिन नहीं कार्यक्रम करते हैं, अन्य दिनों में भले ही करें अपना वो। इसे पावन बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी बुद्ध विहारों में सुबह वंदना हो जाती है, बाकी शाम को सिर्फ एक जगह गौतम बुद्ध पार्क में ही भारतीय बौद्ध महासभा की अगुवाई में प्रोग्राम होता है। तो ये कम से कम कानपुर में हम ये कह सकते हैं कि हम सब लोग, सभी संगठन के लोग मिल करके ये काम करते हैं और इकट्ठा होकर के ही हम इस महापुरुषों के कार्यक्रम को सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सर जी,
क्या कोई आपातकाल या ट्रोमा का इमरजेंसी का सिस्टम भी अब तक सब लोगों ने मिलकर बनाया है कि कहीं कोई आपात समय आ जाए तो तुरंत आनंद फानन में सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं और सब लोगों को कोई मैसेज दे सके? हाँ है, अभी तो टेलीफोनिकली है लेकिन सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अभी कोई ऐसा अलग से विकसित नहीं किया लेकिन किसी भी आपात स्थिति में हम लोग टेलीफोन से बात करते हैं और सब लोग इकट्ठा होते हैं। विशेषकर धनी राव पैंथर जी इसमें बहुत एक्टिव हैं, बाकी सभी लोग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें भी नहीं है। जी अब मैं एक क्वेश्चन तीनों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, बारी बारी से आप जवाब देंगे उसका। क्वेश्चन ये है कि आप पूरे भारत को क्या कहना चाहेंगे कि एक साथ काम करने के बारे में जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में एक एक करके। सबसे पहले प्रेमी सर आप बताएं पूरे भारत को क्या मैसेज देना चाहेंगे। अपना माइक खोलिए सर, माइक खोलिए अपना माइक माइक। हेलो जी। हाँ तो मैं जैसा कि चाह जा कि संदेशा का ये है कि यहाँ पर कानपुर में एक हम लोग नारा भी लगाते हैं कि जो लोग बाबा साहब के को मानते हैं, बाबा साहब की मान बात नहीं मानते हैं, तो उसी से संदर्भित यहाँ एक अध्यक्ष कार्यकर्ता है, उसने एक नारा दिया था कि बाबा साहब के गले में माला और विचारों में ताला। तो हम लोग इसकी काट करके कहते हैं कि भाइयों आप लोग बाबा साहब के प्रति श्रद्धा अवनत हैं तो उनकी बातों को मानिए, और हम लोग प्रयास करते हैं कि उसमें 22 प्रतिज्ञाओं को भी जोड़ते हैं, तो साथ ही साथ जो संगठन की शक्ति है उसको भी कहते हैं कि संगठन से ही शक्ति होगी। अगर हम यूनाइट रहेंगे तो स्टैंड रहेंगे, डिवाइड हो जाएंगे तो फॉल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग व्यक्तिगत और साथ ही साथ मेले के माध्यम से ये संदेशा देते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के सब लोग संगठित रहें ताकि हम अपनी भी सुरक्षा कर सके, अपने देश की सुरक्षा कर सके, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म जो बौद्धमय भारत है उसको भी हम कर सकें। ये संदेशा हम लोग वहां पर देते हैं। धन्यवाद प्रेमी सर। एसआर बोध सर बताएं आप, माइक खोलिए अपना माइक खोल। हम लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहब के वंशज हैं, हम लोग उनके अनुयायी हैं। भगवान बुद्ध ने पहले से ही संघ की शरण में जाने के कहा, जुड़ने के लिए कहा। बाबा साहब ने हमें संगठित रहने के लिए कहा। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि जब हम इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होने का तात्पर्य जब हम एक साथ जुड़ेंगे, मिल करके रहेंगे, तो हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। और एक बड़े से बड़े कार्यक्रम, बड़ा सा बड़ा काम, हम उसको बहुत कम परेशानियों में सुलझा सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे सामने एक अच्छा सा उदाहरण 2 अप्रैल 2018 की घटना है। बिना किसी संगठन के, बिना किसी लीडरशिप में एक साथ हम लोग इकट्ठा हुए और सफलता मिली। इसी थीम के तहत हम लोगों को आपस मिल करके, जुड़ करके रहना चाहिए। जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जितने जुड़ेंगे उतने लोग जीतेंगे। यही हम संदेश देना चाहेंगे कि हम लोगों को अब समय नहीं रहा, कोई विकल्प नहीं है सिवाय जुड़ने के। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर वीरेंद्र सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को जो कानपुर में काम आप कर रहे हैं उसके बारे में? ये एक मैथमेटिक्स है बिल्कुल क्लियर कट, इस संघ में और अलग होने में क्या, इसमें कोई कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं कि कैलकुलेशन के हिसाब से 1950 में जो
जो सेंसस हुआ था उसमें हमारे जो एससी एसटी ओबीसी इनकी जो आबादी थी वो टोटल उस समय की एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन इस समय हम 124-25 मान के अगर चल रहे हैं फिगर, तो ये एब्सोल्यूट आबादी की बात करें कि 124 में एससी इस समय लगभग 20-21 करोड़, एसटी 10-11 करोड़ और ओबीसी 65, मतलब 96-97 करोड़ की आबादी हमारी है जो बिखरी हुई है। इनको हम इसलिए ये फिगर आउट किया है कि अगर हम इनको अलग अलग जाति बार ये संख्या बताएं तो एससी एसटी ओबीसी में इंडिविजुअल जात की आबादी 1-1.5 लाख होती है मात्र, जो कि किसी काम की नहीं है। तो ये बिखरी आबादी, जबकि दूसरी कम्युनिटीज की लीजिए, जनरल में लीजिए, उनकी आबादी है एब्सोल्यूट फिगर की हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मण को ले लीजिए तो वो आबादी 4.5 करोड़ है, लेकिन वो एक है, फिगर एक है, हमारी ये लाख में 1-1.5 लाख, तो ये नेग्लेजिबल है। इसलिए संघ में अगर हैं तो ये 90 करोड़ है, और अगर फुटकर में हैं तो 1-1.5 लाख है, यूजलेस है। इसलिए अगर संघ में नहीं है तो हम किसी भी हालत में नहीं जीतेंगे, ये बिल्कुल सच है, और अगर संघ में हैं तो हर हालत में जीतेंगे, ये भी एक एब्सोल्यूट सच्चाई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इसी तरह से सारे फंक्शन एक साथ कर कानपुर में और पूरे देश और पूरी दुनिया को मिसाल देंगे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में मैं आपके इस काम के लिए बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। आप ये काम करते रहिए, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या
इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.